पूरे केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में भीड़ जमा हो चुकी है। हंगामा न्यूज़ से मैं सीमा गुप्ता। आप लोग पीछे हटिए प्लीज, चलो पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। हटिए, 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 प्लीज, हटिए, हटिए, प्लीज। बताइए, जवाब दीजिए, और कितने लोगों का खून कर चुके हैं आप? आप चिंता मत कीजिए, अब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सर कुछ बोलिए। मिस्टर अवस्थी, ये पेचीदा केस आपके लिए जीतना कितना जरूरी है? जीतना मेरी जरूरत नहीं, मेरी आदत है, और अच्छी आदत बदलते नहीं है। हैप्पीनेस के बाद भी आप जीत पाएंगे? सर, सर प्लीज। मिश्रा जी, पेपर्स रेडी हैं? यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेट्स गो सर। एक सेकंड, हम मंदिर गए थे। सो ये माता रानी का आशीर्वाद है। किस फैक्ट्स और प्रूफ के दम पे लड़े जाते हैं? और आशीर्वाद से जीते जाते हैं। आप आपके फैक्ट्स के साथ लड़ो, माता रानी आपको जरूर जिताएंगी। कोर्ट में खड़ा मैं रहूंगा, जो करना है मैं करूंगा, स्वामी जी को बचाऊंगा मैं, का भगवान मैं हूं। स्वामी जी ने बड़ी ही बेरहमी से दुबे का खून कर दिया और उसकी लाश को वहीं आश्रम में गाड़ दिया। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब झूठ है सर, बाबा ने कुछ नहीं किया। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर अवस्थी, अपनी क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए। शट अप एंड सिट डाउन। आज पहली बार है इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा। अगर हर बार तमाशा करने का प्लान है तो मुझे पहले से बता दूं, मैं केस छोड़ देता हूं। पर लोगों की बातों से इतना इफेक्ट होना बंद करो, मुझे अपना काम करने दो। सॉरी सर। योर ऑनर, बंदूक पे पाए गए स्वामी जी के उंगलियों के निशान, उनके फिंगरप्रिंट्स और दुबे के हाथ में इनकी अंगूठी पहले पेश की जा चुकी है, और इनके खिलाफ इन्ही के आश्रम की एक लड़की भी गवाही दे चुकी है। ये है उस गवाह की रिपोर्ट। योर ऑनर, सबूत और गवाह दोनों फाइल में, कोर्ट में होने चाहिए। मैं इस केस की आई विटनेस मिस प्रिया से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है, विटनेस को बुलाया जाए। केस की चश्मदीद गवाह प्रिया हाजिर हो। अनु अब तक नहीं आई। ये तो ब्रिज अंकल के लॉयर है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? I'm sorry, Your Honor. प्रिया की तबीयत खराब होने की वजह से आज वो कोर्ट में नहीं आ पाएंगी। गवाह की गैर मौजूदगी के कारण इस केस की सुनवाई अगली तारीख को होगी। पर फिर तो बाबा की रिहाई भी टल जाएगी। सर प्लीज सर, ऐसा मत करिए सर प्लीज। Stop it. Please stop it. Court is adjourned for the day.
दादी, अनु आज कोर्ट क्यों नहीं है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, वो हमारे पास ही है। अनु के आज कोर्ट ना आने की वजह से एक बेकसूर इंसान को जेल में रहना पड़ेगा। क्या ये बात आपको सही लग रही है? वो आदमी अपनी गलती की वजह से जेल में है। उस लड़की से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स बेकसूर नहीं हो सकता। और फिर हमारे घर की बहू बेटियां किसी खूनी की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, ये हमें गवारा नहीं। तू अपनी शादी पे ध्यान दे बेटा। दादी, शादी कल नहीं हो रही, और जब होगी उसकी चिंता कर लूंगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं कल हियरिंग की डेट ले रहा हूँ कोर्ट से। अनु को आना ही होगा। वो कल नहीं आ सकती बेटा, कल तुम दोनों की सगाई है। ये सगाई कहाँ से आ गई दादी? हमें कुछ नहीं सुनना अर्जुन, जल्दी से घर आ और अपनी सगाई की तैयारी कर। दादी आप, रिया से खबर, मतलब अनु से बात हुई आपकी? क्या कहा उसने? न जाने बाबा को और कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा। बताओ ना, उससे बात हुई? कल आ रही है ना वो? वो कल भी नहीं आएगी, अब क्या होगा? हमारी शादी होगी, और वो भी कल।